फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एनेस्थीसिया से शुरू करते हैं। एनेस्थीसिया होता है क्या बेसिकली? किसी पेशेंट पर हम एनेस्थीसिया यूज करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम टेम्प्ररी किसी पेशेंट को उसके लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस या अनअवेयरनेस की स्टेट में भेजते हैं, ठीक है, ताकि पेशेंट को होश ना रहे, उसे पेन ना हो, तकलीफ ना हो और हम अपनी सर्जरी के प्रोसीजर को पूरा कर सकें। एनेस्थीसिया को ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जनरल और लोकल। लोकल का मतलब हाथ कट गया, आपको टाके लगाने हैं तो लोकल एप्लीकेशन करेंगे। अब वो जो लोकल एप्लीकेशन करेगा डॉक्टर, उसके बाद जब वो टाके लगाएगा तो मुझे पेन फील नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बड़ा ऑपरेशन है, किसी का पेट मतलब खोलना है, मतलब अपेंडिक्स या फिर कोई भी हार्ट की सर्जरी करनी है, तो उसके लिए उसको जनरल एनेस्थीसिया देंगे, मतलब उसको अनकॉन्शियसनेस के स्टेट में भेजेंगे। वो सिडेटिव स्टेट में रहेगा और डॉक्टर अपनी सर्जरी परफॉर्म करेगा, पेशेंट को पता तक नहीं चलेगा। तो इन दोनों एनेस्थीसिया का मैकेनिज्म अलग अलग है। पहले हम देखते हैं लोकल एनेस्थीसिया। आप सबने 11th 12th या फिर फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि जब भी कोई नर्व कंडक्शन होती है, यह मान लो कि कोई सेल है, अब स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो हम सब जानते हैं कि नॉर्मल जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है उसमें बाहर की तरफ पॉजिटिव और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड होते हैं। ये आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, नॉर्मली ऐसा ही होता है। जब भी कोई स्टिमुलस आता है उसके बाद क्या होता है कि सोडियम चैनल्स होते हैं, सोडियम चैनल्स वो ओपन होंगे। जब सोडियम बाहर पॉजिटिव है, मतलब ये आप सबको पता होगा कि बाहर जो किसी सेल के अंदर सोडियम की वैल्यू कम होती है, बाहर ज़्यादा होती है, तो बाहर पॉजिटिव साइन ज़्यादा होता है, अंदर सेल के अंदर नेगेटिवली चार्ज होता है। और सोडियम पोटेशियम पंप आप जानते हैं कि बाहर सोडियम बाहर फेंकता है और पोटेशियम को अंदर सेल के अंदर भेजता है। तो जब भी कोई स्टिमुलस, जब मान लो कि हमें कोई पेन की सेंसेशन हुई, वो होता कैसे, वो स्टिमुलस हमें मान लो कि मेरे फिंगर पे कोई पिंच हुई, तो वहाँ पे जो नर्व की सेल होगी वो पहले डिपोलराइजिंग स्टेट में होगी, जैसा मैंने आपको अभी दिखाया है बाहर पॉजिटिव। तो जैसे ही कोई स्टिमुलस मिलता है तो सोडियम के चैनल खुलते हैं और सोडियम अंदर जाना शुरू होता है। तो जब सोडियम अंदर जाएगा तो बाहर का पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा और अंदर का नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। फिर धीरे धीरे अंदर से पोटेशियम बाहर जाना शुरू होता है और वापिस से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एस्टेब्लिश होता है। ये जनरल सी बात है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब भी कोई स्टिमुलस ट्रेवल करता है नर्व के थ्रू, तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि सोडियम चैनल खुलेंगे और सोडियम चैनल के खुलने से सोडियम का इन्फ्लक्स बढ़ेगा। तो अगर हम इस स्टेप को ही रोक दें, अगर हम सोडियम चैनल को खुलने ही ना दें, तो क्या होगा, वो सेंसेशन हमें फील नहीं होगी। तो लोकल एनेस्थीसिया का यही मैकेनिज्म होता है कि वो सोडियम चैनल को खुलने ही नहीं देता। तो जब सोडियम चैनल खुलेगा नहीं, सोडियम सेल के अंदर लीक नहीं करेंगे, तो जो नर्व का जो कंडक्शन है स्टिमुलस का, वो हो नहीं पाएगा। तो ये टेम्पररीली कुछ देर के लिए ऐसा करता है, ये लोकल एनेस्थीसिया का मैकेनिज्म है। जनरल एनेस्थीसिया के मैकेनिज्म को समझने से पहले आप दो नाम याद रखो, ग्लूटामेट और गाबा। ग्लूटामेट इज एक्साइटरी और गाबा इज इनहिबिटरी। ये ग्लूटामेट और गाबा क्या है? ये है न्यूरोट्रांसमीटर, ये हमारे नर्वस सिस्टम में होते हैं। और ग्लूटामेट जो है एक एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और गाबा जो है वह इनहिबिटरी है। मतलब कि अगर ग्लूटामेट ज़्यादा होगा तो पेशेंट या फिर हम जो हैं एक्साइटेशन के स्टेट में रहेंगे, अवेकन रहेंगे, जगे हुए रहेंगे। वहीं अगर गाबा ज़्यादा होगा तो उसका इनहिबिटरी इफेक्ट होगा सीएनएस पे, तो माइंड डिप्रेस रहेगा, लो फील होगा, लेथार्जिक फील होगा और सीडेशन, ड्रोजीनेस, ऐसी ऐसी फीलिंग आएगी। तो आप बताओ कि जब किसी को हमें एनेस्थीसिया देना है, तो हमारा जो गोल है वो क्या हो, कि हम क्या चाहेंगे, कि वो एक्साइटेड स्टेट में हो या फिर इनहिबिटरी स्टेट में हो? इनहिबिटरी स्टेट इनहिबिटरी स्टेट में ऑब्वियसली है ना।
तो इनहिबिटरी स्टेट में कैसे होगा, जब गाबा इंक्रीज होगा या फिर ग्लूटामेट डिक्रीज होगा। तो यही मैकेनिज्म होता है जनरल एनेस्थीसिया का, वो चाहे तो गाबा को इंक्रीज करेगा या ग्लूटामेट को डिक्रीज करेगा। तो ये एनेस्थीसिया के जनरल और लोकल एनेस्थीसिया के दो मैकेनिज्म हमने समझ लिए। इसका यूज ऑब्वियसली आप लोकल एनेस्थीसिया में याद रख लो कि डेंटल सर्जरी, और जनरल एनेस्थीसिया में तो जो भी आप सर्जरी सोच सकते हो वो आप उसका नाम याद रख लो, हार्ट ट्रांसप्लांट कोई भी हो। उसके बाद ये साइड इफेक्ट होते हैं जैसे कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ऑपरेशन के बाद नौजिया वोमिटिंग भी होती है, कई बार यूरिनरी का रिटेंशन भी हो जाता है, बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है सीएनएस डिप्रेशन, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट यूज करना जो मैंने जस्ट बताया है ग्लूटामेट और गाबा का। सीएनएस डिप्रेशन का मतलब क्या है कि सीएनएस को डिप्रेस करेगा। सीएनएस को डिप्रेस कैसे करेगा, बाय द सेम मैकेनिज्म, चाहे तो गाबा इंक्रीज करेगा या ग्लूटामेट डिक्रीज करेगा। यही लिखा हुआ है, सीएनएस डिप्रेशन इनहिबिट्स द एक्शन ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा। गाबा जो है वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, लीडिंग टू द हाइपर पोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन। अब देखो हाइपर पोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन्स से यहाँ पे क्या मतलब है, कि अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि बाहर पॉजिटिव और ए नॉर्मल होता है आपका रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल। जब भी कोई एक्शन करवाना होता है तो पॉजिटिव को अंदर भेजना होता है, मतलब सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो हमारा एक्शन होगा। लेकिन गावा क्या करता है, जैसे हमारे सोडियम चैनल वैसे क्लोरीन का भी चैनल होता है, तो क्लोरीन को जब सेल के अंदर भेजना शुरू करेगा तो अंदर का नेगेटिव चार्ज बढ़ता रहेगा। लेकिन हमें किसी भी स्टिमुलस का या फिर नर्व कंडक्शन के लिए अंदर पॉजिटिव चार्ज चाहिए था, तो ये होने नहीं देता, और अंदर ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो बाहर पॉजिटिव तो उसको बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन के स्टेट। तो ये इसका मैकेनिज्म होता है गाबा का। और सीएनएस डिप्रेशन में आप ड्रग्स याद रखो, बारबिट्यूरेट्स, बेंजोडाइजेपिन और मिसलेनियस। बारबिट्यूरेट्स फिनोबारबिटोन या फिनोबारबिटल, बेंजोडाइजेपिन डाइजापाम, लोराजेपाम, अल्प्राजोलम, और मिसलेनियस में जोलपीडम। क्लिनिकल यूजेज ऑब्वियसली जब किसी को एनजाइटी होगी, इंसोमनिया होगा, सीजर डिसऑर्डर होगा, ये इसके क्लिनिकल यूजेज हैं। साइड इफेक्ट जब सीएनएस डिप्रेस रहेगा, नींद ज़्यादा आएगी, ड्रोजीनेस, तो आप जब थके रहते हो ड्रोजी होता है आपको, ड्रोजीनेस होती है, तो आप क्वेश्चन का आंसर सही नहीं लगा पाओगे क्योंकि आपका कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होगा। वैसे इस ड्रग का साइड इफेक्ट क्या है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। उसके बाद सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। सीडेटिव और हिप्नोटिक्स में डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि दोनों ही सीएनएस डिप्रेसेंट हैं, लेकिन हिप्नोटिक्स आपको स्लीप की स्टेट में भेजता है, लेकिन सीडेटिव क्या है कि आपको काम करता है, शांत करता है, पर स्लीप की स्टेट में नहीं भेजता। ये बेसिक डिफरेंस है, और मैकेनिज्म उसका वही है, चाहे तो गाबा इंक्रीज करेगा या फिर ग्लूटामेट डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट आता है ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर का मतलब सीधा सा आसान भाषा में कि एंजियोलाइटिक, आपकी चिंता को दूर करे। चिंता जब होती है तो एंजाइटी हो तो क्या होता है, आपका हार्ट रेट कैसा होता है, हार्ट रेट कम होती है ज़्यादा होता है, आपके दिमाग में थॉट्स कम आ रहे होते हैं ज़्यादा आ रहे होते हैं, जब आपका एग्जाम नज़दीक ज्यादा हो ज़्यादा आ रहे होते हैं ना। तो इसलिए जब एंजाइटी को कम करने के लिए क्या होगा कि आप दिमाग को शांत करोगे, डिप्रेस करोगे, तो ट्रैंक्विलाइजर एंजियोलाइटिक है। इसमें भी मैकेनिज्म हम डिस्कस कर चुके हैं, सेम मैकेनिज्म है। उसके बाद हम देखते हैं एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक को देखने से पहले आप एक सब्सटेंस प्रोस्टाग्लैंडिन, आप इस फिगर में देख लो कि मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड होती है, सब जानते हैं, तो उसमें एराकिडोनिक एसिड होता है। एराकिडोनिक एसिड कॉक्स, साइक्लो ऑक्सीजनेस इनहिबिट, ऑक्सीजनेस और लॉक्स, ये दो एंजाइम है। इनके पाथवे के डिटेल्स में नहीं जाना, हमको बस ये जानना है कि प्रोस्टाग्लैंडिन तीन चीज़ें करवाता है, इन्फ्लेमेशन, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन पेन। फिलहाल के लिए आप तीन चीज़ें ध्यान रखो कि प्रोस्टाग्लैंडिन ज़्यादा होने का मतलब है, मैं यहाँ पीजी लिख देता हूँ, इंक्रीज पेन, इंक्रीज टेम्परेचर और इन्फ्लेमेशन। फिलहाल हम एंटीपायरेटिक में अभी देखते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे करता है एंटीपायरेटिक।
जब भी आपको फीवर होता है तो मोस्ट कॉमनली जो मेडिसिन ली जाती है मॉडर्न की, वो पैरासीटामोल होती है। तो जो पैरासीटामोल लेते हैं हम, तो उससे फीवर कम होता कैसे? वो कुछ करता होगा जिससे फीवर कम होता होगा, तो वो करता क्या? हमारे बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेट कौन करता है, कोई बताएगा? मेनली हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाँ वेरी गुड, हाइपोथैलेमस करता है। तो जब आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, आप ये बताओ कि ठंड में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ज्यादा होती है कि वैसो डायलेशन ज्यादा होती है, या फिर गर्मी में क्या होता है, जब गर्मी के मौसम में क्या होता है, ब्लड वैसो डायलेट होती है या कॉन्स्ट्रिक्ट ज्यादा होती है? तो समर में डायलेशन डायलेट ज्यादा होती है। ठंड के मौसम में कॉन्स्ट्रिक्शन ज्यादा होता है, गर्मी में डायलेशन ज्यादा होता है। ऐसा होता क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जब गर्मी ज्यादा होगी तो आपके ब्लड वैसल डायलेट करती है, आपके ब्लड वैसल डायलेट करती है तो उसका ब्लड फ्लो बढ़ता है, मतलब हमारे एरिया का सरफेस एरिया बढ़ता है, एक्सपोजर बढ़ता है, तो उस जगह से वाटर का लॉस ज्यादा हो पाता है, हीट का लॉस ज्यादा हो पाता है, हमें स्वेटिंग होती है, और गर्मी में हमें हीट का लॉस बचाना होता है, इसलिए वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। तो इसी मेथड से हाइपोथैलेमस क्या है, और एक तो हमने देख लिया वैसो डायलेशन का रोल टेम्परेचर में, दूसरा जब प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेट होता है तो मैंने भी बताया कि पेन बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। तो एंटीपायरेटिक्स हाइपोथैलेमस पे एक्ट करते हैं, और ये क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को रोकते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस रोकेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर अपने आप कम हो जाएगा। एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिया दोनों ही प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि जब बुखार की दवाई खाओगे तब भी दर्द कम होगा, दर्द की दवाई खाओगे तब भी बुखार कम होगा, क्योंकि दोनों प्रोस्टाग्लैंडिन के थ्रू ही एक्ट कर रहे हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन को जब रोक दिया तो पेन और टेम्परेचर दोनों कम होने लगता है। एक तो प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करता है, उसके बाद क्या करता है, हाइपोथैलेमस पे एक्ट करके वो वैसो डायलेशन करवाता। जब भी आपने पैरासीटामोल खाई होगी, 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, या किसी किसी को 1.5 घंटे बाद बहुत गर्मी लगती है, पसीना आता है, वो क्यों आता है? बस क्योंकि वैसो डायलेशन इंक्रीज हो जाता है और स्वेटिंग के थ्रू जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है। तो ये एंटीपायरेटिक का मैकेनिज्म है, ठीक है? यही सब बातें लिखी हुई हैं, आप इसको खुद ही रीड करोगे समझ में आ जाएगी, आप बाद में रीड करें ना, मैं बेसिकली अभी कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ। तो एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक में दो टाइप होते हैं, नॉन ओपियोइड और ओपियोइड। हमें पेन के बारे में अभी डिस्कस किया कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है हमें पेन फील करवाता है, उसके अलावा एक चीज और हमें पेन फील करवाती है कि हमारे जो सीएनएस है उसमें ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं, जो मतलब जहां जिसके थ्रू हमें पेन का पता चलता है। तो जो एनाल्जेसिक यानी पेन को खत्म करने वाली दवाइयां होती है वो दो तरह से डिवाइड की गई है, नॉन ओपियोइड और ओपियोइड। नॉन ओपियोइड मतलब पैरासीटामोल, एनसेड मतलब नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जो इन्फ्लेमेशन को कम करे लेकिन वो स्टेरॉयड ना हो, जैसे कि आइबुप्रोफेन, डिक्लोफेनिक। तो इसका मैकेनिज्म वही है कॉक्स। अच्छा आप यहाँ पर देखो, जैसे ये एराकिडोनिक एसिड है, इससे प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है। आप जब ध्यान से देखोगे तो एराकिडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट होने के लिए एक एंजाइम चाहिए, वो है कॉक्स। अगर हम इस कॉक्स को इनहिबिट कर दें तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बन पाएगा। तो जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो पेन, टेम्परेचर, फीवर मतलब अपने आप सॉल्व हो गया। तो जो एनसेड्स होते हैं वो कॉक्स इनहिबिटर होते हैं, वो कॉक्स पे एक्ट करते हैं और एराकिडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन में चेंज नहीं होने देते। ये हो गया नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक का मैकेनिज्म। ओपियोइड एनाल्जेसिक का क्या है, जो मैंने बताया कि सीएनएस में ओपियोइड का रिसेप्टर होता है, वहां पे वो जाके इनहिबिट करते हैं रिसेप्टर को, और उसकी वजह से पेन का जो सिग्नल है उसका ट्रांसमिशन नहीं हो पाता। तो ये हो गया आपका एनाल्जेसिक। अब एंटी एपिलेप्टिक, एंटी एपिलेप्सी या मिर्गी का जब दौरा आएगा तो कोई बताएगा कि जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो एक्साइटरी स्टेट में होगा कि इनहिबिटरी स्टेट में होगा? इनहिबिटरी, नो, एक्साइटेड, एक्साइटेड एक्साइटेड। स्टेट मतलब इनहिबिटरी स्टेट का मतलब है कि ड्रॉजी में शांत, अब जब किसी को मिर्गी आती है तो शांत नहीं रहता, उसकी बॉडी में तो जर्किंग मूवमेंट होता है, उसके जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो ब्रेन में वो इंक्रीज हो जाती है, तो मतलब उसका जो ब्रेन है
वो अननेसेसरी एक्साइटरी मूवमेंट करवा रहा है बॉडी में, तो ब्रेन एक्साइटरी स्टेट में, तो एक्साइटरी स्टेट में अगर ब्रेन है तो उसको हम अगर कंट्रोल करने के लिए उसको इनहिबिटरी जो उसका मोड है उसकी तरफ ले जाएंगे। उसके लिए तीन चीजें हमने ऊपर डिस्कस करी, सोडियम चैनल ब्लॉकर, उसके बाद गाबा इनहेंसर और ग्लूटामेट इनहिबिटर। ग्लूटामेट क्या है, एक्साइटरी है, एक्साइटरी को रोकोगे तो क्या हो जाएगा, एक्साइटेशन कम हो जाएगा। तो जैसे ये तीनों तो हो गया, जैसे ही सोडियम चैनल होता है वैसे कैल्शियम चैनल होता है, वैसे आप कैल्शियम चैनल को जब ब्लॉक करोगे तो वो भी एक्साइटरी स्टेट को कंट्रोल करेगा और डिप्रेसिव स्टेट की तरफ ले जाएगा। एपिलेप्सी के पेशेंट में एक्साइटरी एक्टिविटी ज्यादा हो रही है तो हम उसको डिप्रेस करेंगे। डिप्रेस मतलब ये डिप्रेस नहीं कि पढ़ाई का मन नहीं करा, दिमाग खराब हो रहा, वो डिप्रेशन नहीं, मतलब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिप्रेस करना। तो एंटी एपिलेप्टिक के ये चार मैकेनिज्म, आप सोडियम चैनल ब्लॉकर के फेनिट्रोइन, कार्बामेजेपिन, आपको मैं आज तो एक क्लास में सारी फार्मा हो नहीं पाएगी, आप अभी नाम देख के मत घबराना, जो दवाइयों के नाम होते हैं उसके कुछ सफिक्स से उनकी पहचान होती है, तो नेक्स्ट क्लास में उसमें सारे कवर नहीं होते पर मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स आप सफिक्स देख के पहचान सकते हो, तो नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप देख लो कि सोडियम चैनल ब्लॉकर फेनिट्रोइन, गाबा एनहेंसर वालकोरेट, कैल्शियम चैनल इथोसक्सिमाइड, ग्लूटामेट टोपिरामेट, मैकेनिज्म एक्शन वही है, वही बात लिखी है जो हमने डिस्कस की। इसका यूज ऑब्वियसली एपिलेप्सी में होगा, जब आपके मिर्गी के दौरे आते हैं पेशेंट को, तब होता है। साइड इफेक्ट ड्रोजिनेस, हेपाटोटॉक्सिसिटी, टेराटोजेनिसिटी। वॉलप्रेड, वॉलप्रेड जो है मोस्ट टेराटोजेनिक ड्रग है एपिलेप्सी के क्लास में। जो भी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है प्रेगनेंसी में हम कभी भी वॉलप्रेड नहीं देते, प्रेगनेंसी में हम दूसरी दवाइयाँ देते हैं जैसे कि लेमोटिजिन, लेवेट्रिसिटाम, ये सब देते हैं पर वॉलप्रेड नहीं देते। उसके बाद एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी हाइपरटेंसिव समझने से पहले, हाइपरटेंसिव मतलब बीपी बढ़ गया आम भाषा में, तो एंटी हाइपरटेंसिव समझने से पहले हमें समझते हैं ब्लड प्रेशर को समझते हैं। ब्लड प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कोई बताएगा किसे कहते हैं, एनीवन? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज लेस देन 80 mmHg। जी नो, नॉट द वैल्यू, मतलब होता क्या है, मतलब अगर हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो वो होता क्या? ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन, सिस्टोलिक कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हार्ट एंड डायस्टोलिक रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, ओके, आप बीपी मतलब ड्यूरिंग सिस्टम। ओके, हाँ ऑब्वियसली, हाँ सही कह रहे हो पर नॉट, मतलब एग्जैक्ट सही नहीं पर हाँ सिस्टोलिक सही बता रहे हो। तो ब्लड प्रेशर को समझने से पहले हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक से पहले समझते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। मान लो ये ब्लड कॉलम है, इसके अंदर कोई मतलब अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ये जितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा ब्लड वेसल की वॉल पे वो होता है ब्लड प्रेशर। सिर्फ ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन बताइए, सिस्टोलिक नहीं डायस्टोलिक नहीं, कि ब्लड का एक कॉलम है, कोई भी पाइप अगर उसके अंदर कोई लिक्विड बह रहा है तो उस पाइप की वॉल पे कुछ प्रेशर लगाएगा, है ना, वो जो प्रेशर लगा रहा है ब्लड वेसल्स की वॉल पे ब्लड, उसको बोल रहे हैं ब्लड प्रेशर। अब वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है, जब हार्ट कॉन्टैक्ट करता है तो उसकी वजह से आर्टरीज पे जो प्रेशर पड़ता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, जो पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस आपने बुक में, किताब में लिखा हो, देखा होगा, इसका मतलब क्या है कि जब वेसल्स में ब्लड फ्लो हो रहा है, उस ब्लड जब फ्लो हो रहा होता है तो उसको जो रेजिस्टेंस मिलता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है? तो ये आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा। बीपी को समझने से और हाइपरटेंशन को समझने के लिए हम एक सिंपल सा डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, लेमेन टर्म वाला। मान लो कि आप एक टैप में आपने एक पाइप लगाया, मान लो कि बहुत मतलब पहले की बात है, आप कूलर में पानी भर रहे हो, आपके पास एक पाइप है, तो आपने टैप में पाइप लगा दी, या फिर आप गार्डन में ही पानी इमेजिन कर लो कि आप अपने पौधों में पानी दे रहे हो पाइप लगा के, आप खुद सोचना और मुझे बताना, एक पाइप है उससे पानी फ्लो हो रहा है, अगर आप पाइप को आगे से थोड़ा दबाते हो तो क्या होता है, जहां से पानी निकल रहा है थोड़ा दबाते हो तो आपने नोटिस किया होगा बचपन में शरारत भी करते हैं ना, कि दबाते हैं तो उसकी धार बढ़ जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है,
ओब्वियसली पतली हो जाती है, पर प्रेशर बढ़ जाता है, पानी दूर तक जाता है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी वेसल है, ब्लड वेसल है, अगर हमने उसका डायमीटर कम किया तो प्रेशर इंक्रीज होगा। ओके, उसके बाद मान लो कि आपने टैप से पानी चला रखा, आपने पानी का फ्लो ज्यादा किया, तो जो पाइप से पानी बह रहा है उस पाइप पे प्रेशर ज्यादा लगेगा, या फिर मैं जब पानी कम कर दूं तब ज्यादा लगेगा? बताओ। जब इसी पानी बढ़ा देंगे ओके ऑब्वियसली जब पानी बढ़ाऊंगा तो पाइप पे प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो अगर हमने अभी तक ये समझ लिया कि अगर वॉल्यूम ज्यादा होता है तो प्रेशर बढ़ इंक्रीज हो जाता है पाइप यहाँ पे हमारे ब्लड वेसल की तरह, तो अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो हमारे वेसल्स पे प्रेशर ज्यादा होगा। किसी कारण से वेसल का डायमीटर कम हो जाए, चाहे वो कैल्सिफिकेशन हो, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो भी प्रेशर ज्यादा होगा। उसी तरीके से जो ब्लड वेसल की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी ना, अगर वो रिजिड हो जाए, जैसे हार्ड हो जाए, जैसे बुढ़ापे में कैल्सिफिकेशन हो जाती है, तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसलिए नॉर्मली भी जब इंसान बूढ़ा होता है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर दो चीज़ देखी कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो बीपी बढ़ रहा है, और डायमीटर कम हो रहा है तो भी बीपी बढ़ रहा है। तो पाइप तो हम हाथ से दबा रहे थे, ब्लड वेसल्स कैसे कॉन्स्ट्रिक्ट करती है? वो तो हम अपनी उंगलियों से नहीं दबा रहे, तो उसके लिए कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। तो अल्फा बीटा रिसेप्टर्स के आपने नाम सुने होंगे, आप ऐसे याद रखना, α1 β2, ऐसे याद करो, ABCD। तो α1 क्या करवाता है? कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, और β2 क्या करवाता है? डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो अगर β2 ने अपने, उसी के साथ एक β1 याद रखना, वो हार्ट पे एक्ट करता है, तो ये क्या करता है? हार्ट रेट को इंक्रीज करवाता है। तो आप खुद सोचो कि अगर β2 जो बीटा है, अगर वो नॉर्मली अपना काम करेगा तो डायलेट होगी ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल डायलेट होगी तो उसमें क्या होगा? ब्लड का फ्लो ज्यादा बढ़ रहा होगा, है ना? तो आप इस फिलहाल के लिए इस कॉन्सेप्ट को साइड करो और यहाँ से देखना शुरू करो कि मैंने बताया कि वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो बीपी ज़्यादा होगा, तो वॉल्यूम कैसे कम कर सकता हूँ मैं? जैसे डेली लाइफ में मैं टैब को थोड़ा कम कर दूँ, वैसे ही अपने फिजियोलॉजिकल स्टेट में मैं डायूरेटिक्स दे सकता हूँ। डायूरेटिक्स का मतलब क्या है कि वो फ्लूड का लॉस करवाएगा, कैसे? यूरिन के थ्रू। इंसान यूरिन ज़्यादा करेगा तो उसका जो वॉल्यूम है प्लाज्मा का वो कम होगा, तो ब्लड प्रेशर को हम ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है डायूरेटिक्स, उसके बाद है बीटा ब्लॉकर। β1 हार्ट पे एक्ट करता है, ठीक है, β1 का काम है कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कंट्रोल करना, उस पे एक्ट कर रहा है तो हार्ट ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ज्यादा कर रहा है। अगर मैंने उसको रोका तो क्या होगा? या फिर उसकी एक्टिविटी को कम किया तो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो जो प्रेशर पड़ रहा है आर्टरीज पे वो भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ओके, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ रहा था? जब मैं ब्लड वेसल्स की या फिर पाइप के बीच के डायमीटर को कम कर रहा था, मतलब कि वेसल्स को दबा रहा था या पाइप को दबा रहा था, तो जो कैल्शियम चैनल होते हैं वो ब्लड वेसल्स की स्मूथ मसल सेल पे एक्ट करते हैं। कैल्शियम, उसके लिए कैल्शियम चाहिए होता है। जो वेसल्स की स्मूथ मसल होती है उसमें जब कैल्शियम चैनल के थ्रू कैल्शियम सेल के अंदर जाता है तो वो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है और ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। अगर मैंने उसको इनहिबिट कर दिया तो ब्लड वेसल डायलेटेड रहेगी। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में एमलोडिपिन एंड वेरापामिन। उसके बाद हम एस इनहिबिटर और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर को समझने के लिए पहले रास मैकेनिज्म को समझते हैं। जो फ्लूड या फिर ब्लड प्रेशर रेगुलेशन होता है उसमें किडनी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे शरीर में कितना लिक्विड है, कितना फ्लूड है, वो GFR के थ्रू जाएगा किडनी में, किडनी में आगे जाके DCT में JG सेल्स, जस्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स होता है, वो सेंस करता है कि ऑस्मोलरिटी कितनी है, सोडियम कितना है, मेनली सोडियम को सेंस करती है और GFR को सेंस करती है। उसको जब लगेगा कि मतलब पानी कम आ रहा है, इसका मतलब शरीर में ब्लड प्रेशर भी कम हो रहा होगा, तो वो मैकेनिज्म से क्या करेगा? बीपी बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो
तो जेजी सेल्स क्या करते हैं, रेनिन सिक्रेट करते हैं। रेनिन एक सब्सटेंस है, वो एंजियोटेंसिनोजन पे एक्ट करता है। एंजियोटेंसिनोजन का मतलब क्या है कि जन मतलब जनरेट करता है, जो एंजियोटेंसिन को जनरेट करे, एंजियोटेंसिन को पैदा करे। तो रेनिन एंजियोटेंसिनोजन पे एक्ट करेगा तो एंजियोटेंसिनोजन वन बनेगा। फिर उसके बाद एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है, जिसको बोलते हैं एस, वो वन को टू में बदलेगा। उसके बाद वो एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, और एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, सोडियम का और वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाएगा। फिर पानी और फ्लू सोडियम अंदर ज़्यादा आएगा बॉडी में, और उसके बाद बीपी बढ़ेगा। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है, ये किडनी का रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। कम है तो ज़्यादा, ज़्यादा हो तो कम, कभी कभी कंट्रोल खो भी सकता है या फिर जरूरत से ज़्यादा ही कर सकता है। तो हमने यहाँ पे तीन स्टेप पे ध्यान देना, जो रेनिन एक्ट कर रहा है एंजियोटेंसिनोजन पे, अगर हम इस स्टेप को ही रोक दें तो वो एंजियोटेंसिनोजन पे एक्ट नहीं करेगा, फिर वन टू पे नहीं जाएगा, एआरबी पे काम नहीं करेगा, और बीपी नहीं बढ़ेगा। तो जो इसको इनहिबिट करता है, रेनिन इनहिबिटर, उसको बोलते हैं एलिस किरण, एक ड्रग का नाम है। उसके बाद एंजियोटेंसिनोजन वन से टू में जो कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं एस इनहिबिटर, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। जो भी दवाई आपने प्रिल प्रिल वाली सुनी होती है ना, इनेलर प्रिल, रेमी प्रिल, कैप्टोप्रिल, ये सब होती है, वो इस स्टेप को इनहिबिट करते हैं। उसके बाद मान लो आपने यहाँ भी इनहिबिट नहीं किया, आपने दूसरी, मान लो कि एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स है, उसी को आपने ब्लॉक कर दिया, उससे पहले की सारी चीजें हो भी जाएंगी, तो भी अगर आपने रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर दिया तो एल्डोस्टेरोन काम ही नहीं कर पाएगा, और फिर बीपी नहीं बढ़ा पाएगा। तो जो एआरबी होता है, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर ब्लॉकर, उसका एग्जांपल है सार्टन वाले ड्रग, जैसे लोसार्टन, टेलमिसार्टन, है ना। ये आपको डेफिनेटली तीन मैकेनिज्म ध्यान रखने हैं, ये आपका एंटी हाइपरटेंसिव का जितने भी हमने क्लास देखी वो हो गई। डायबिटिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, एस इनहिबिटर कर चुके हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एंजियोटेंसिनोजन। अब देखते हैं एंटी एंजाइनल। एंजाइना का मतलब क्या है कि दिल में दर्द होना, आम भाषा में। तो वो होता क्यों, पेन का रीजन क्या है हार्ट में, जो एंजाइना हम डिस्कस कर रहे हैं, तो एंजाइना का रीजन कोई बताएगा कि क्यों हो रहा है एंजाइना, मतलब क्या चीज हो रही है जो हमें पेन हो रहा है। ब्रेकअप ऑब्वियसली नहीं, कोई मेडिकल साइंस का रीजन बताओ कि क्यों पेन हो रहा एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, इश्केमिया हो गया। है। एक्सीलेंट, एक्सकेमिया हो गया, हाइपोक्सिया हो गया। हाइपोक्सिया क्यों हो रहा है, हाइपोक्सिया मतलब हमारे ब्लड, हमारे बॉडी में कहीं पे भी ऑक्सीजन कैसे जाता है, ब्लड के थ्रू। तो मान लो कि नॉर्मल ब्लड वेसल्स हैं, उसमें ब्लड फ्लो हो रहा है अच्छे से, पर किसी कारण से उसमें ब्लॉकेज हो गई, ये आपके ब्लड वेसल है, मान लो किसी कारण से इसमें ब्लॉकेज हो गई, तो जो इसका एरिया है वो थोड़ा सा ही बचा है, वो बस यहीं से फ्लो कर सकता है, ब्लड बस यहीं से फ्लो कर सकता है। तो नॉर्मली हम जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, या फिर कोई रेस्ट कर रहा हो, तो हमें ज़्यादा जरूरत नहीं होती, वो अगर इतनी ब्लॉकेज भी रहेगी तो भी काम चल जाएगा। तो जनरली पेशेंट, यानी कि पेशेंट को आपने देखा होगा कि जब कुछ सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है या फिर कुछ कर रहा होता है, तब उसको दर्द शुरू हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि जो वेसल्स के बीच का स्पेस है वो किसी कारण से, चाहे प्लाक बन गया, कुछ भी हो गया, वो कम हो गया। लेकिन जब डिमांड बढ़ती है तो हार्ट तेज अपनी हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा और ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेगा, लेकिन वहाँ इतनी जगह नहीं है कि वो ब्लड वहाँ से गुजर सके और जो हार्ट की जो डिमांड है वो पूरी कर सके ऑक्सीजन की। तो वहाँ पे उस वक्त हाइपोक्सिया हो जाता है, और उसको बोलते हैं एंजाइना। ये रिवर्सिबल होता है, वही अगर प्रोलॉन्ग हो जाए, ज्यादा देर तक हो जाए, इरिवर्सिबल इंजरी हो जाए, तो उसको इंफार्क्शन या हार्ट अटैक बोलते हैं। तो एंजाइना को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हार्ट पर जो लोड पड़ रहा है हम उसको कम कर दें। तो उसका नाइट्रेट है, उस पहला एग्जाम्पल वो है वीनो डायलेटर, वो क्या करवाता है, वीन्स का डायलेशन करवाता है। दूसरा क्या है, बीटा ब्लॉकर, हार्ट रेट जो इंक्रीज कर रहा था बीटा वन रिसेप्टर में काम करके, ऊपर भी हमने पढ़ा, बीटा ब्लॉक कर देंगे तो हार्ट रेट कम हो जाएगा।
हार्ट रेट कम हो जाएगा तो हार्ट की जो नीड है ऑक्सीजन कंजप्शन की वो कम हो जाएगी और उसमें उसको हाइपोक्सिया नहीं होगा। तीसरा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सीसीबी देंगे, हमने पीछे भी पढ़ा कि सीसीबी देने से क्या होता है, वेसल्स डायलेट हो जाते हैं। उसके बाद है रेनालाजिन। रेनालाजिन क्या है, इसको आप ऐसे याद रखो, रेनालाजिन को आप ध्यान से देखोगे ना तो एल ए से याद रखना, लेट, ए एन को उल्टा पढ़ना सोडियम, तो लो लेट और आई एन से इनवर्ड, तो लेट सोडियम इनवर्ड चैनल ब्लॉकर होता है। ये क्या करता है कि जो मायोकार्डियम जो हार्ट के जो मसल होती है उसकी जो टेंशन मतलब कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसको कम करता है, ऑक्सीजन कंजप्शन को भी कम करता है। कैसे करता है, लेट सोडियम करंट को इनहिबिट करके। एंटी एंजियोजेनिक ड्रग यहाँ तक क्लियर है, चार क्लास में हमने डिस्कस कर ली। अब अगला है एंटी प्लेटलेट ड्रग। एंड आप जब भी कहीं चोट लगती है हमें या फिर कहीं मतलब ब्लड वेसल्स में चोट मतलब किसी का यहाँ पे कट लग गया, हाथ में कट लग गया, तो कुछ टाइम के बाद अपने आप ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। वो क्यों होती है, क्योंकि फिजियोलॉजिकल कुछ मैकेनिज्म होते हैं। जब भी एंडोथेलियल की इंजरी होगी तो वहां पे आपका जो कैस्केड प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। तो एंडोथेलियल की लाइनिंग में VWF फैक्टर होता है, उतना ध्यान उतना डिटेल में जाना सही नहीं होगा। आप ये याद रखना कि एंडोथेलियल की लाइनिंग से प्लेटलेट अटैच होती है, प्लेटलेट्स के ऊपर प्लेटलेट्स आके एग्रीगेट करते हैं, और दो प्लेटलेट्स के बीच जो एग्रीगेशन होता है उनके लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो होता है ग्लाइकोप्रोटीन 2B और 3A। तो एक प्लेटलेट के ऊपर दूसरा प्लेटलेट आके जो जमा होगा उसके लिए एक सब्सटेंस चाहिए होता है GP2B और 3A। जब ये इसको हमने इनहिबिट कर दिया तो प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं कर पाएगा एक दूसरे के ऊपर, इसलिए इसका नाम है एंटी प्लेटलेट ड्रग। एक मैकेनिज्म तो ये हो गया। दूसरा है कॉक्स। जो कॉक्स हमने ऊपर पढ़ा था प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है, वही आगे जाके जो एराकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहा था एक अलग पाथवे से, वो बाद में जाके थ्रोम्बोक्सिन A2 TXA2 बनाता है। ये सब्सटेंस जरूरी होता है प्लेटलेट एग्रीगेशन के लिए। तो कॉक्स इनहिबिटर एस्पिरिन को जब हम कॉक्स को रोक देंगे तो ये थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बन पाएगा और जो प्लेटलेट के एग्रीगेशन की प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी। ऐसे प्लेटलेट पे एक ADP रिसेप्टर्स होते हैं, ADP सब्सटेंस होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, वो क्या करता है प्लेटलेट में कुछ चेंजेस करता है, एक के ऊपर स्टैकिंग करनी है तो फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल चेंजेस करता है। ये तीन मैकेनिज्म है, इन तीनों को रोकेंगे तो हम जो क्लॉटिंग है उसको रोक देंगे। आपको इसका एग्जाम्पल याद करना, कॉक्स इनहिबिटर का एस्पिरिन, ADP रिसेप्टर इनहिबिटर का क्लोपिडोग्रल पासुग्रेल, और GP2B3A का एफसीक्सीमैब। उसके बाद हम देखते हैं हाइपोलिपिडेमिक ड्रग। हाइपोलिपिडेमिक ड्रग का मतलब क्या है कि जो हाइपो मतलब कम, लिपिड जो लिपिड को कम करता हूँ, लिपिड मतलब फैट। हाइपोलिपिडेमिक पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि फैट एक्चुअली शरीर में आया कहाँ से। हमने कुछ खाना खाया, हमने सारे सब्सटेंस खाए, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी, प्रोटीन भी, फैट भी। इंटेस्टाइन में गया, वहां पे फैट को एब्जॉर्प्शन के लिए सबको पता है कि बाइल लीवर जो है वहां से जो डक्ट होती है बिलियरी डक्ट, वहां से बाइल एसिड आएगा और वो फैट के साथ कंबाइन होगा, उसको छोटे छोटे टुकड़े करेगा या फिर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बनाएगा, मिसल्स फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद इंटेस्टाइन से फैट एब्जॉर्ब होगा, उसके बाद जो फैट या कोलेस्ट्रॉल का फॉर्म जो ब्लड वेसल्स में है वो ब्लड वेसल्स में घूमता रहेगा, और उसके बाद वो लीवर लीवर पे होता है LDL रिसेप्टर, लो डेंसिटी लिपिड रिसेप्टर। ये क्या करता है, ये ब्लड वेसल्स के कोलेस्ट्रॉल को लीवर में सेंड करता है। तो ब्लड वेसल्स से हमने कोलेस्ट्रॉल अगर लीवर में भेजना है तो हमको LDL रिसेप्टर चाहिए। तो लीवर में कोलेस्ट्रॉल चला गया, वहां पे दूसरी चीजें बनती रहेंगी। ये तो हमने अभी तक तीन चीजें देख ली, क्या पहले पेट में खाना गया तो खाना एब्जॉर्ब करने के लिए बाइल एसिड चाहिए फैट एब्जॉर्ब करने के लिए, दूसरा इंटेस्टाइन से जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो प्रोसेस चाहिए, तीसरा कोलेस्ट्रॉल जब ब्लड वेसल्स में घूम रहा है तो उसको लीवर में सेंड करने के लिए LDL रिसेप्टर चाहिए। उसके बाद जो लीवर होता है वो अलग अलग मेथड से फैट बना भी रहा होता है, ऑक्सीडेशन भी कर रहा होता है, जैसे कि एसिटाइल सैटिक एसिड साइकिल आपने सुना ही होगा 11th क्लास में, क्रैब साइकिल।
तो जो क्रैब साइकिल होते हैं, जो फैट, जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, लंबी सी साइकिल होती है, उसमें उतना डिटेल में नहीं जाना। उसमें एक स्टेप होता है जो जिसको बोलते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप। उसके लिए एक एंजाइम चाहिए, HMG को रिडक्टेज। ये HMG को ए रिडक्टेज जो है, ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। मतलब कि ये एंजाइम जब काम करेगा तो ही कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस हो पाएगी लीवर में। अगर हम इसको इनहिबिट कर देंगे तो क्या होगा, फैट की सिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कम हो जाएगी। एक तरीका तो ये हो गया, ये हो गया स्टेटिन्स, एटोरवा स्टेटिन, रोजुवा स्टेटिन। सबसे ज्यादा आपने सुना होगा कि एटोरवा ही लेते हैं, एटोरवा रोजुवा, ये जो होते हैं लॉन्गर एक्टिंग होते हैं, इसलिए ज्यादातर ये दिया जाता है। उसके बाद हमने क्या देखा कि एक स्टेटिन समझ लिया कि कैसे काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस की जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसका जो एंजाइम है उसको इनहिबिट कर रहा है। उसके बाद देखते हैं फाइब्रेट्स। फाइब्रेट्स क्या करता है, उससे पहले देखते हैं बाइल एसिड सिक्वेस्टेंट। मतलब फैट को डाइजेस्ट होने के लिए बाइल एसिड चाहिए था। अगर हम कोई ऐसा सब्सटेंस बना दे जो बाइल एसिड के साथ बाइंड करे और वो वैसे बाइल एसिड पूरा का पूरा हमारा निकल जाए बिना हमारे मील के साथ कंबाइन हुए, तो हम फैट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो उसी को बोलते हैं बाइल एसिड सिक्वेस्टेंट। उसका एग्जाम्पल है कोलेस्टेरामिन। उसके बाद अगला देखते हैं कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स। कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब भी होना होगा इंटेस्टाइन से। अगर हम उस प्रोसेस को इनहिबिट कर देंगे उसको बोलेंगे कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर। उसका एग्जाम्पल है एजिटिमाइन। उसके बाद हम देखते हैं PCSK9। ना इसका फुल फॉर्म जानना है ना इसके बारे में ज़्यादा जानना है, बस आप ये समझ लो कि PCSK9 एक सब्सटेंस है। ये करता क्या, ये LDL रिसेप्टर्स जो होते हैं उनको ले जाता है लाइसोजोम में पकड़ के, और उनका मतलब एक तरह से मानो कि उनको डिस्ट्रॉय करवाता है। तो PCSK9 जितना ज़्यादा होगा हमारे शरीर में, हमारा LDL रिसेप्टर उतना ही कम होगा। क्लियर है, कोई वेरी सी कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेट तो नहीं लग रहा। बस आपने ये समझना है कि जो लीवर पे LDL रिसेप्टर्स होते हैं उसको PCSK9 पकड़ के ले जाता है और उसको मतलब सुपारी दिलवाता है लाइसोजाइम से। जितना ज्यादा PCSK9 होगा, LDL रिसेप्टर्स हमारे पास उतने ही कम होंगे। तो एक तरह से LDL रिसेप्टर को ये कम कर रहा है। और LDL का रिसेप्टर्स कर क्या रहे थे, वो हमारे ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को लीवर में भेज रहे थे। अगर LDL रिसेप्टर ही कम हो जाएंगे तो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, है ना। तो उसको कम करने का मतलब है, एक तरीका ये है कि हम जो LDL रिसेप्टर को मरवा रहे हैं उसको इनहिबिट कर दें। तो हम PCSK9 को इनहिबिट कर देते हैं। उसका एग्जाम्पल है इवोलोकुमाब। ये मैकेनिज्म क्लियर है आपको, क्लिनिकल यूज साइड इफेक्ट इसमें समझने से कुछ नहीं होता। आप मैकेनिज्म में नहीं समझने वाला, कहीं कोई डाउट हो तो बता दो। उसके बाद है हीमोपोएटिक एजेंट्स। हीमोपोएटिक एजेंट्स का मतलब क्या है, जो ब्लड फॉर्मेशन करवा रहे हैं। तो जो ब्लड की फॉर्मेशन होती है सबको पता है उसको एरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं। तो एरिथ्रोपोएसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट्स होते हैं। एरिथ्रोपोएटिन जो होता है हमारी किडनी सिक्रेट करती है, ठीक है। और जो आर्टिफिशियल एरिथ्रोपोएटिन जैसा सब्सटेंस होता है उसका एग्जाम्पल है डारबेपोएटिन। ब्लड बनने के लिए, RBC बनने के लिए सबको पता है कि हीमोग्लोबिन चाहिए, और हीमोग्लोबिन बनने के लिए आयरन चाहिए। तो अगर आयरन से आयरन की कमी होगी तो ब्लड फॉर्मेशन कम होगा। किसी भी सेल को डिवाइड होने के लिए, उसका DNA डुप्लीकेशन के लिए विटामिन B12 की जरूरत होती है, फोलिक एसिड की जरूरत होती है। इसलिए B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी में भी आपने देखा होगा कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्यों होता है, क्योंकि एक टाइम के बाद जब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो जब एक लिमिट के बाद इंक्रीज होता है तो सेल डिवाइड होना शुरू हो जाती है, और सेल डिवाइड होने के लिए DNA रेप्लिकेशन चाहिए, उसके लिए विटामिन B12 और फोलिक एसिड चाहिए। जब ये नहीं होता तो सेल बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, और उस सही टाइम पे डिवाइड नहीं होता। इसलिए और उसकी क्वांटिटी भी कम होगी क्योंकि डिवाइड होकर अब इंक्रीज नहीं हो पाया। इसलिए विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी में आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है।
हीमोपोएटिक एजेंट्स में आपने आयरन सप्लीमेंट्स दोगे तो आयरन से हीम बनेगा, हीम से आरबीसी बनेगा। एरिथ्रोपोएटिन का जो स्टिमुलेटिंग एजेंट है एरिथ्रोपोएटिन, गार्बोपोएटिन वो दे सकते हो। फोलिक एसिड सिंथेसिस जो, या फोलिक एसिड मतलब कमी होती है कई बार किसी भी कारण से तो भी एनीमिया होता है, तो उसके सप्लीमेंट्स अक्सर आपने देखे होंगे कि आयरन टेबलेट्स के साथ फोलिक एसिड दिया ही जाता है, क्योंकि तो फोलिक एसिड खुद भी चाहिए और फोलिक एसिड जो है आयरन के एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज करवाता है। उसके बाद कोगुलेंट्स, कोगुलेंट्स का ये लंबा सा कैस्केड प्रोसेस होता है, इसको जानना याद करने की जरूरत नहीं है। बस आप ये, जब भी कोई हमें इंजरी होती है तो ब्लड हमेशा ही, मतलब इंजरी की वजह से ब्लड लीक ना हो जाए सारा शरीर से, उसको रोकने के लिए कोगुलेट फैक्टर होता है, कोगुलेशन शुरू होता है कैस्केड, इसको हेमोस्टेसिस बोलते हैं। तो उसमें आपको तीन याद रखना कि विटामिन के चाहिए होता है, अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो कोगुलेशन ठीक से नहीं होगा और ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। क्लॉटिंग फैक्टर चाहिए होते हैं बहुत सारे आप, लेकिन हम जब चढ़ाते हैं इमरजेंसी में भी तो फैक्टर 8 चढ़ाया जाता है, फैक्टर 9 चढ़ाया जाता है। हीमोफीलिया में क्या होता है, फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है, याद होगा आपको। उसके बाद है एंटी फाइब्रिनोलाइटिक्स, एंटी फाइब्रिनोलाइटिक्स के नाम को तोड़ो, फाइब्रिनोलाइटिक्स मतलब फाइब्रिन को तोड़ने वाला, एंटी मतलब जो फाइब्रिन को तोड़ रहा है उसको रोकने वाला। अब ये फाइब्रिन है क्या, फाइब्रिन क्या होता है, जब भी इंजरी होती है, जब भी कोगुलेशन होता है ना, जब भी ब्लड मतलब ब्लड फ्लो रोकना होता है ताकि क्लॉटिंग क्लॉट बनाने होते हैं, उसके लिए फाइब्रिन चाहिए होते हैं। और फाइब्रिन को अगर तोड़ दोगे तो फाइब्रिन की कमी होगी तो ब्लड ब्लड मतलब क्लॉट बन नहीं पाएगा तो ब्लड लीक करेगा। इसलिए हम चाहेंगे कि ऐसा कोई मतलब ऐसा ऐसा कुछ ना हो, फाइब्रिनोलाइसिस को रोकना चाहेंगे, इसलिए हम एंटी फाइब्रिनोलाइटिक्स देते हैं। उसका एग्जाम्पल है ट्रेनेक्सा, ट्रेनेक्सा आप सबने इंटर्नशिप में सुना ही होगा, ट्रेनेक्सा दे दो, ट्रेनेक्सा दे दो, ये क्या है एंटी फाइब्रिनोलाइटिक्स होता है। उसका एग्जाम्पल है ट्रेनेक्सामिक एसिड और अमाइनो कैप्रोलिक एसिड। उसके साइड इफेक्ट में आप मान लो कि आपने ज्यादा दे दिया, जनरली क्या होता है कि क्लॉट बनता है, फिर फाइब्रिन आता है, उसको डिजोल्व करता है, फिर ब्लड फ्लो नॉर्मल रहता है। पर ये ज्यादा ही होगी, क्लॉटिंग ज्यादा होगी तो थ्रोम्बस बन जाएगा, थ्रोम्बस बन जाएगा तो बाद में आपको हार्ट अटैक या फिर ब्रेन स्ट्रोक कुछ भी करवा सकते हैं, तो ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं। उसके बाद है ब्रोंकोडायलेटर्स, बीटा रिसेप्टर, बीटा 1 हार्ट में, हार्ट एक होता है, बीटा 2 लंग्स दो होते हैं, ऐसे याद रखो। तो बीटा 2 जब लंग पे एक्ट करता है, फेफड़ों पे काम करता है, तो ब्रोंकोडायलेशन करवाता है। जैसे ब्लड पे वेसल्स पे बीटा रिसेप्टर, जब जब बीटा एगोनिस्ट काम करता है तो ब्लड वेसल्स का डायलेशन करवाता था, वैसे ही बीटा 2 एगोनिस्ट लंग्स में भी ब्रोंको डायलेशन करवाते हैं। मतलब अगर ब्रोंको डायलेशन होगा तो ऑक्सीजन ज्यादा मिल पाएगी लंग्स को। तो ब्रोंको डायलेटर का पहला क्लास क्या है, बीटा 2 एगोनिस्ट, सालबुटामोल आपने सुना ही होगा, अस्थमा में जो देते हैं सालबुटामोल। एंटी कोलिनर्जिक, जैसे कोलिनर्जिक सब्सटेंस है, जैसे एड्रेनालिन होता है वैसे कोलिनर्जिक सब्सटेंस है, ये क्या करता है, ये ब्रोंकस का कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। लेकिन अगर ब्रोंकस का कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा तो हमें चाहिए कि पेशेंट को सांस ज्यादा आए, तो हम ब्रोंकस को डायलेट करवाएंगे, तो हम इसलिए एंटी कोलिनर्जिक देंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल है इप्रोट्रोपियम, ट्राइप्टोपियम, मिथाइल ज़ाइंथिन्स के कुछ एग्जाम्पल है थियोफाइलिन और अमाइनोफाइलिन। अब ये थियोफाइलिन और अमाइनोफाइलिन कैसे काम करते हैं, तो एक केमिकल मैसेंजर होता है साइक्लिक एएमपी, वो जब सेल्स में जाता है तो उसकी वजह से ब्रोंको डायलेशन होता है। प्लेंटी ऑफ स्टेप्स हैं, पर कोर क्रक्स ये है कि जब कम कैंप इंक्रीज होगा तो ब्रोंको डायलेशन इंक्रीज होगा। तो ये थियोफाइलिन और अमाइनोफाइलिन क्या करवाते हैं, कैंप को इंक्रीज करवाते हैं। ये आपके इन ब्रोंको डायलेटर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। आज का यूज ऑब्वियसली अस्थमा, सीओपीडी, ये आप सब जानते ही हैं। उसके बाद एरोसोल्स में आपको बस ड्रग्स के नाम याद करने हैं, मीटर डोज इनहिबिटर जो अस्थमा में दिया जाता है, सालबुटामोल, बेक्लोमिथासोन, ड्राई पाउडर्स में फॉर्मेट्रोल, नेबुलाइजर, इप्राट्रोपियम। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स। जब आपको खांसी होती है, खांसी हमें होती क्यों, एक होती है ड्राई कफ, एक होती है वेट कफ।
मतलब सूखी खांसी, गीली खांसी, इसलिए जब खांसी होती है तो स्पेसिफिक दवाई देनी होती है। लेकिन हमारे जो फार्मासिस्ट होते हैं कई बार खुद को डॉक्टर समझते हैं और गीली खांसी में सूखी की और सूखी में गीली की दवाई दे देते हैं। जो गीली खांसी या फिर वेट कफ है वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है हमारा। जो वेट कफ होता है उसमें म्यूकस सिक्रेशन होता है हमारे फेफड़ों में। क्यों ज्यादा होता है? कोई बैक्टीरिया या कोई टॉक्सिन हमारे लंग्स में चला गया है, वो हमें हार्म कर सकता है। उसको हम ट्रैप करने के लिए हमारा जो लंग है वो म्यूकस सिक्रीट करता है, उसमें वो ट्रैप होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कफ करते हैं जिससे वो शरीर से बाहर जाता है। लेकिन अगर म्यूकस ज्यादा थिक हो तो हम जब खांसी करेंगे तो कहते हैं ना बलगम छाती में जमा है, निकल नहीं रहा। तो उसको निकालोगे कैसे? आप उसको थिन कर दो, ज्यादा थिक है तो थिन कर दो। तो जब उसकी विस्कोसिटी कम होगी तो जब हम खांसी करेंगे तो उससे वो बाहर निकल जाएगा। तो और जो ड्राई कफ होती है उसको रोक, वो क्या है, उसका कोई रोल नहीं है, वो बस ऐसे इरिटेट कर रहा है हमें, किसी एलर्जी से हो रहा है, तो इसलिए हम उसमें एंटी हिस्टामिन या जो भी ड्राई कफ की जो मेडिसिन होती है उसमें एक डेक्सामेथासोन होती है, वो तो आपके ब्रेन के सेंटर को इनहिबिट करते हैं, मेडुला को, जहाँ से आपको कफ का सिग्नल मिल रहा है। या फिर ड्राई कफ में दूसरी चीज होती है एंटी हिस्टामिन, एलर्जी की दवाई, क्योंकि सूखी खांसी एलर्जी से होती है। कभी कभी उसके बाद जो कभी कभी जैसे कोविड में भी सूखी खांसी होती है, तो पर मेन जो क्रक्स होता है, मेन जो कॉज होता है सूखी खांसी का, वो हमेशा एलर्जी होता है, इसलिए सूखी खांसी में एंटी हिस्टामिन दिया जाता है। गीली खांसी की जब भी आप वेट कफ की मेडिसिन देखोगे तो उसमें देखना कुछ सॉल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, उसमें से एक गोएफेनेसिन मिलेगा और अमोनियम क्लोराइड मिलेगा। ये क्या करता है, ये विस्कोसिटी को डिक्रीज करता है, ताकि थिन करता है म्यूकस को, ताकि वो इजिली निकल सके। तो ये आपके एक्सपेक्टोरेंट्स के दो एग्जांपल है। इसके साइड इफेक्ट में नोजिया, वोमिटिंग, जीआईटी डिस्कम्फर्ट, ये तो हर ड्रग्स में आपको मिल ही जाएगा। उसके बाद है डाइजेस्टेंट्स, मतलब जो डाइजेशन को इंक्रीज करवा सके। तो जो एंजाइम्स हमें चाहिए होते हैं, अगर आप उसको देने लग जाओ, जैसे पेट में कोई खाना जाता है सबसे पहले हमें एसिड चाहिए होता है, ओब्वियसली HCl चाहिए होता है, जो हमारे पेट में किसी के अंदर वही कम बन रहा है तो ठीक से एंजाइम काम ही नहीं करेंगे, ब्रेक डाउन ही नहीं होगा, पेप्सिन ही काम नहीं करेगा। आगे जाके पैनक्रियाटिक एंजाइम्स ड्यूडेनम में जाके एक्ट करते हैं, उसकी डेफिशिएंसी होगी तो भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, डाइजेशन नहीं हो पाएगा। बाइल एसिड चाहिए होते हैं फैट्स को पचाने के लिए। तो ये अगर जिस चीज़ की डेफिशिएंसी मिलती है हम उसको एक्सटर्नल पाथवे से अगर पेशेंट को आर्टिफिशियली दें तो उसको बोलते हैं डाइजेस्टेंट्स। उसके बाद हम देखते हैं कार्मिनेटिव्स। कार्मिनेटिव्स क्या होता है, ये जो हमारे पेट में सुने होंगे ना गैस हो गई है, गैस और एसिडिटी में कोई डिफरेंस है या फिर दोनों सेम, बताओ कोई डिफरेंस डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा सर गैस तो मतलब गैस और एसिडिटी कई बार साथ देखने को मिलती है, पर बेसिकली दोनों चीजें अलग हैं। ऑब्वियसली अलग हैं क्योंकि जो गैस है वो पोलन सिक्रेट करता है, उसमें फ्लॉटुलेंस ज्यादा होता है, और जो एसिडिटी है मतलब कि जो पेट का जो एसिडल है वो ज्यादा हो गया है, तो हमें बर्निंग सेंसेशन फील हो रही होती है। तो जो कार्मिनेटिव्स होते हैं वो फ्लॉटुलेंस या जो गैस बबल्स जो बन जाते हैं हमारे इंटेस्टाइन में ज्यादा, उनको ब्रेक करते हैं और वो फिर बाहर फ्लॉटुलेंस के थ्रू निकल जाता है, पेशेंट को रिलीफ फील होता है। और वही एंटा एसिड क्या है, कि एंटा मतलब उल्टा एसिड, एसिड को न्यूट्रलाइज जो करता है वो एंटा एसिड, जो इनो इनो लेते हैं ना 6 सेकंड में काम करता है, वो एक एंटा एसिड ही होता है। अब किसी को एसिडिटी हो गई तो आप उसको तीन तरह की दवाई दे सकते हो। एक इनो जो हम देते हैं, इनो क्या है, जो पेट में एसिड बन चुका है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा, लेकिन इनो नए एसिड के फॉर्मेशन को नहीं रोकेगा। जो हम ओमेप्राजोल रोमेप्राजोल खाते हैं ये पीपीआई है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर। जब पेट में एसिड बनता है तो उसके लिए आपको हाइड्रोजन और पोटेशियम का पंप होता है, उससे क्या होगा कि H+ जो है, K+ अंदर जाएगा, H+ जो है आपका उसमें ह्यूमन में आएगा और वो Cl के साथ कंबाइन करके HCl बनेगा। तो जो प्रोटोन पंप को इनहिबिट कर देंगे तो प्रोटोन नहीं आ पाएगा और Cl के साथ कंबाइन करके वो HCl नहीं बनाएगा। तो प्रोटोन पंप इनहिबिटर
ऐसे काम करते हैं कि वो एसिड को बनने नहीं देता, लेकिन एसिडिटी हो चुकी है वो उसको नहीं रोक सकता। पेट में एसिड जमा हो गया है तो पीपीआई खाओगे तो रिलीफ नहीं करेगा वो, मतलब फर्दर इंक्रीज को रोकेगा, पर अब तक जो बन चुका है उसको खत्म करने के लिए इनो या कोई एंटी एसिड लोगे। तो एंटी एसिड का मतलब बेसिकली ये है कि हमने जो एसिड बन दी उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। दूसरा यह है कि जो बनने वाला है आगे वो दो तरीकों से बनता है, एक तो प्रोटोन पंप और दूसरा है H2 रिसेप्टर्स। H2 रिसेप्टर्स क्या करते हैं, हिस्टामिन के रिसेप्टर्स होते हैं, ये भी चाहिए होते हैं एसिड फॉर्मेशन के लिए। तो जो रेनिटिडिन खाते हो ना, रेनटेक खाते हो, ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है। जो रेविप्रेजोल खाते हो ये प्रोटोन पंप इनहिबिटर है। जो डाइजिन या एंटी एसिड लेते हो, इनो लेते हो, ये एंटी एसिड, ये तीनों के। और इसके बाद ये तो हो गए नॉन सिस्टमिक। एक और सिस्टमिक, सिस्टमिक एंटी एसिड का मतलब क्या है कि जब ABG एबनॉर्मलिटीज पढ़ते हैं हम, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस पढ़ते हैं उसमें, तो जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है मतलब कि ब्लड का जो पीएच है वो एसिडिक हो गया। नॉर्मल पीएच जो 7.35 से 7.45 होता है, तो जब 7.35 से नीचे की तरफ जाता है तो हम बोलते हैं एसिडोसिस हो गया, और 7.45 से ऊपर जाता है तो बोलते हैं अल्कलोसिस हो गया। तो जो सिस्टमिक एंटी एसिड है वो तब देते हैं जब ABG की एबनॉर्मलिटीज होती है, जैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है उस वक्त दिया जाता है। और नॉन सिस्टमिक मतलब जो पेट में एसिडिटी फील होती है उसके लिए दिया जाता है। जो इनो भी लेते हो उसमें भी ये सब्सटेंस होते हैं। तो जो एंटी एसिड होता है उसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये एल्युमिनियम वाला पार्ट जो है कॉन्स्टिपेशन करवाता है और मैग्नीशियम वाला पार्ट जो है वो डायरिया करवाता है। अब इसको ध्यान रखने के लिए आप मैग्नीशियम को मग से याद रखो, कि मग मग मतलब जब वॉशरूम जाएंगे तब तो मग्गे की जरूरत होती है ना, तो ये याद रखना कि मैग्नीशियम वाला पार्ट डायरिया करवाता है बेसिकली। इसलिए जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो हमें ना ही डायरिया होता है ना ही कॉन्स्टिपेशन होता है। उसके बाद एंटी अल्सर जो भी ऊपर बताया था, एसिडिटी होती है उसी से अल्सर होता है। तो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जिसका रेनिटिडिन एग्जाम्पल है, रेनटेक जो हम लेते हैं। प्रोटोन पंप इनहिबिटर डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा है कि जो म्यूकोजा है एब्डोमेन स्टमक की, वो अगर डिस्ट्रॉय हो रही है HCl से तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कुछ एजेंट दे देते हैं जिसका नाम है सुप्रालफेट और मीजोपोस्टोल। मैकेनिज्म एक्शन ये तीनों वही है जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं। उसके बाद लैक्सेटिव, लैक्सेटिव मान लो किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो जब खाना खाते हैं डाइजेशन होता है उसके बाद स्टूल फॉर्मेशन होते हैं। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि स्टूल हार्ड हो जाता है, तो स्टूल को हार्ड स्टूल हार्ड है तो वो निकल नहीं पाता, पेरिस्टाल्सिस ठीक से हो नहीं पाती, कॉन्स्टिपेशन फील होता है पेशेंट को। स्टूल हार्ड क्यों होगा, जब उसमें पानी कम होगा, तो पानी स्टूल फॉर्मेशन में पानी ज्यादा है। इसके इसके दो तरीके हैं, चाहे तो आप इंटेस्टाइन के अंदर ऐसा कुछ खा लो जिससे कि आपके जो इंटेस्टाइन के ल्यूमन है वो वाटर को एब्जॉर्ब करने लग जाए सराउंडिंग से, तो उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक लैक्सेटिव। ये क्या करता है, इंटेस्टाइन के अंदर बोवल के अंदर वाटर को खींचता है तो अपने आप स्टूल सॉफ्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है कि मान लो कोई ऐसा सब्सटेंस ले लो जो डाइजेस्टेबल नहीं है, जिसको हम खाते नहीं है, पर वो वाटर को होल्डिंग कैपेसिटी रखता है, वो पचेगा तो नहीं, वो एक्सक्रीटी हो जाएगा लेकिन वो वाटर को अपनी तरफ खींचेगा। तो जब वो स्टूल के साथ, जब स्टूल फॉर्मेशन होगी तो अनडाइजेस्टेबल चीजों के साथ वो सब्सटेंस भी स्टूल का पार्ट होगा, तो लेकिन वो स्टूल का पार्ट होगा तो उसकी प्रॉपर्टी है कि वो वाटर को खींचता है, वाटर को अपनी तरफ लाएगा, तो जो स्टूल बनेगा वो उसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा। तो ऐसे ही कुछ सब्सटेंस होते हैं जिसको बोलते हैं बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव, साइलियम और मिथाइल सेलुलोज। ये क्या करते हैं कि वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद क्या है कि स्टिमुलेंट, जब फीकल मैटर हमारे इंटेस्टाइन से जा रहा होता है, कोई भी चीज इंटेस्टाइन में आगे कैसे पहुंचती है, उस एक मूवमेंट होती है पेरिस्टेल्सिस। अगर वो पेरिस्टेल्सिस का मूवमेंट इंक्रीज कर दें, दवाई देके जैसे विसाकोडेल, तो वो उसको बोलेंगे स्टिमुलेंट लैक्सेटिव। उसका एग्जाम्पल है विसाकोडेल और एक सेना। उसके बाद चौथा क्या, स्टूल हार्ड हो गया है सॉरी, तो उसको आप सॉफ्ट कर लो, उसका एग्जाम्पल है डोप्रिसेट सोडियम।
सारी चीजें आपने पढ़नी है। और साइड इफेक्ट में जैसे आप खुद ही सोचो, जो क्रैम्प्स पेन होते हैं हमारे, वो पेट दर्द होता है तो क्यों होता है? जो हमारे इंटेस्टाइन है ना, उसकी मोटिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इसलिए क्रैम्प पेन फील होता है। तो हमने ऐसी दवाई दी जिससे पेरिस्टाल्स इंक्रीज हो जाए, अगर वो जरूरत से ज्यादा काम करेगी तो क्रैम्प्स आने लग जाएंगे। हमने अगर ल्यूमन में ज्यादा ही वाटर को एब्जॉर्ब करवा दिया, ब्लड वेसल से खींच के इंटेस्टाइन में डाल दिया, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, इसलिए डिहाइड्रेशन। और वाटर का जब लॉस होगा तो उससे इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होगा, तो ये साइड इफेक्ट इसके ऑब्वियसली जब आप ऊपर की चीजें समझ जाओगे तो कॉमन सेंस से अपने आप हो जाएगी। उसके बाद है एंटी डायरियल। क्या इलेक्ट्रेटिव सबसे अच्छी है, आयुर्वेदा दोबारा बोलना? में सबसे अच्छा आयुर्वेदा तो साइलियम बेटर होता है क्योंकि वो, जैसे हरी हाँ साइलियम बेटर है क्योंकि वो जनरली वो क्या कर रहा है कि वो अंदर के जो आपका इंटेस्टाइन का ही जो वाटर है उसी को एब्जॉर्ब कर रहा है। इसलिए जब बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो कुछ बच्चों का जब मतलब 1 साल 2 साल के होते हैं, उनको 6 7 साल तक तो कॉन्स्टिपेशन ही रहता है, तो उनको कई बार दवाइयाँ देनी पड़ती है। तो लैक्टुलोज भी देते हैं और साइलियम भी देते हैं, लेकिन लैक्टुलोज को आप लंबे टाइम तक नहीं चला सकते क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस ज्यादा करवाता है, तो इसलिए बेटर साइलियम ही रहता है। पर एडल्ट एज में हम जब किसी को होता है तो वो आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रोलाइट की सिरप पी ली दिन में 3 बार या फिर 1 2 टैबलेट से ठीक हो जाता है, पर अगर बेटर कहोगे तो ऑब्वियसली साइलियम ज्यादा सेफ है। उसके बाद एंटी डायरियल। डायरिया डायरिया कैसे होगा? जो कॉन्स्टिपेशन का इलाज था वही डायरिया का कॉज होता है मैकेनिज्म से। पानी ज्यादा हो गया है, पेरिस्टाल्सिस ज्यादा हो रही है, पर ये डायरिया हो क्यों रहा है हमारे शरीर में? मतलब शरीर को क्या जरूरत? शरीर में कुछ भी बिना बात नहीं होता। अगर डायरिया हो रहा है तो ये हमारा मैके जिस टाइम पे दवाइयां नहीं थी, हमारा शरीर खुद में इतना कैपेबल था कि वो सब चीज ठीक कर सके। तो जब भी हम कोई टॉक्सिन इन्हें मतलब इंजेस्ट कर ले, कुछ ऐसा खा ले जो हमारे पेट के लिए सही नहीं है, या फिर कोई बैक्टीरिया चला जाए, तो उसको शरीर चाहेगा कि शरीर से बाहर फेंके। तो उसके दो मैकेनिज्म थे, उल्टी लूज मोशन, वॉमिटिंग होगी चाहे फिर डायरिया हो। लेकिन कई बार इस मैकेनिज्म में शरीर इतना ज्यादा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का इम्बेलेंस कर लेता है, वो जिस चीज से बचाना चाह रहा है उससे नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि डिहाइड्रेशन ही हमारी मतलब जो डेथ का है वो रीजन बन जाता है। तो एंटी डायरियल का मतलब यह है कि जो चीजें डायरिया करवा रही है उसके ऑपोजिट काम करे। तो डायरिया कैसे हो रहा है? मोटिलिटी ज्यादा बढ़ गई है, कोई टॉक्सिन या कोई सब्सटेंस अंदर आ चुका है हमारे एब्डोमेन के अंदर, पेट के अंदर, स्टमक के अंदर, या फिर जो आपका वाटरी वाटर है वो ज्यादा आ चुका है इंटेस्टाइन के ल्यूमन में। इन तीन चीजों को आपका कंट्रोल करेंगे तो अपने आप हमारा डायरिया ठीक हो जाएगा। तो जो ओपियोइड डेरिवेटिव है लोपेरामाइड, लोपेरामाइड क्या करता है? ये गैस्ट्रिक मोटिलिटी को डिक्रीज करेगा, इंटेस्टाइन में जो पेरिस्टाल्सिस है उसको कम करेगा, तो स्टूल आगे नहीं जाएगा। लेकिन आपको प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बता रहा हूँ कि कभी भी किसी भी पेशेंट को लोपेरामाइड नहीं देनी पहले, क्योंकि अगर आपने लोपेरामाइड दी तो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी कम हो जाएगी। तो मान लो कोई इन्फेक्शन या टॉक्सिन था अंदर, इन्फेक्शन था, कोई बैक्टीरिया था, वो बाहर निकलने का रास्ता था कि डायरिया से निकल जाएगा, लेकिन आपने उसको लोपेरामाइड दे दी, अब इंटेस्टाइन की मोटिलिटी खत्म हो गई, वो बैक्टीरिया बाहर नहीं जाएगा, तो वो क्या करेगा? इंटेस्टाइन से ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, पूरे शरीर में इन्फेक्शन करवाएगा। इसलिए जब भी डायरिया की दवाई देते हैं, शुरू करते हैं हम एंटीबायोटिक से या एंटी प्रोबायोटिक से। जब आपने उसकी डोज दे दी तो इसका मतलब कि उसके बाद भी अगर नहीं रुक रहा तो उसके बाद हम लोपेरामाइड जैसी दवाई देते हैं ताकि इन्फेक्शन का रिस्क भी ना रहे और डायरिया भी ठीक हो जाए। इसलिए कभी भी डायरेक्ट लोपेरामाइड मत देना किसी भी पेशेंट को बिना डायरिया का कॉज जाने हुए। उसके बाद एडजोर्बेंस में कालिन पेक्टिन, क्या ये क्या कोई टॉक्सिन हमने खा लिया तो उसको ये एडजॉर्ब करेगा और वो शरीर से बाहर निकल जाएगा। एंटी सिक्रेटरी क्या है? फ्लूड जो है इंटेस्टाइन के अंदर वो कम हो जाएगा जब वाटर ज्यादा हो जाता है। इसलिए तो डायरिया में क्या होता है, वाटर ज्यादा हो जाता है और स्टूल कम भी हो तो वाटर ज्यादा निकल रहा होता है। तो जब इंटेस्टाइन में आप
पानी कम कर दोगे तो स्टूल इतनी जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली नहीं होगा। तो रेसिकाड्रोसिल जो आप दवाई का नाम आपने सुना ही होगा, जो देते हैं जब सबसे पहले किसी को डायरिया की दवाई दो ना, तो उससे पूछो कि मतलब तूने खा ली भाई नॉर्फ्लक्स वगैरह, वो खा ली नॉर्फ्लक्स टीजर्ट वगैरह खा ली, उसके बाद भी ठीक ही नहीं हो रहा, एक दो डोज दे के देख लिया, उसके बाद ये रेसिकाड्रोसिल शुरू करो। ये क्या करेगा, इंटेस्टाइन की जो वाटर है वो मतलब उसको एब्जॉर्ब करेगा, तो इंटेस्टाइन में वाटर कम हो जाएगा, तो स्टूल हार्ड हो जाएगा, तो आगे निकलना स्टूल का मुश्किल होता है, इसलिए उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा, उसके बाद लुपरामाइड पे जाते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं एंटी इमेटिक्स। इमेटिक्स मतलब वोमिटिंग। तो वोमिटिंग होने के कुछ मैकेनिज्म है कि वो कैसे वोमिटिंग हमें होती है तो होता क्यों। हमारे ब्रेन में कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन CTZ होता, जब भी हम कभी मेडिसिन खाते हैं ना तो वो उल्टी करवाता क्यों है, नोजा वोमिटिंग बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट क्यों है मेडिसिन का, क्योंकि वो ब्लड में जाता है और वो ब्रेन जो होता है उसके CTZ रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, इसलिए ज़्यादातर दवाई के साइड इफेक्ट आपने नोजा वोमिटिंग सुना होगा। इसका रीज़न यही है कि CTZ रिसेप्टर जो है जब स्टिमुलेट होगा वो डोपामिन से स्टिमुलेट होता है तो हमें नोजिया वोमिटिंग होती है। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, डोपामिन एंटागोनिस्ट मतलब डोपामिन के उल्टा जो काम करे वो देंगे, उसका एग्जाम्पल है मीटोक्लोप्रामाइड और डोमपेरिडोन। ठीक है, मीटोक्लोप्रामाइड जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करता है, डोमपेरिडोन नहीं करता, ये ध्यान रखना। उसके बाद क्या है, 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये हमारे गट के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर एक रिसेप्टर होता है जिसकी वजह से हमें वोमिटिंग होती है, उसको इनिबिट कर दोगे। ओंडियन सेट्रोन जो बहुत फ्रिक्वेंटली खाते हैं, ग्रैनी सेट्रोन, ओंडियन सेट्रोन, ओंडियम नाम से जो टैबलेट आती है वो 5-HT3 रिसेप्टर पे काम करती है। उसके बाद आपने ना कई बच्चों को देखा, कई लोगों को देखा होगा कि जो कहीं ट्रैवल करने जाते हैं उनको उल्टी आती है, मोशन सिकनेस होता है। आप कुछ फार्मासिस्ट के पास जाओ तो उनको जो नकली डिग्रियां लेके आते हैं, फिर जिन्होंने बस ऐसे किसी की दवाई की दुकान खोल रखी होती है, वो आपको ऑन्डम दे देंगे। ऑन्डम आपको मोशन सिकनेस पे फ्रूटफुल होगी ही नहीं, क्योंकि तो ऑन्डम एक्ट कर रही है आपके 5-HT3 रिसेप्टर पर। उस फार्मासिस्ट को बस ये पता है कि ऑन्डम सिर्फ उल्टी के लिए दी जाती है, तो वो आपको मोशन सिकनेस में भी दे सकता है, पर मोशन सिकनेस में हमें दूसरी दवाई लेनी होगी जो हमारे वेस्टिबुलर सिस्टम के रिसेप्टर पर एक्ट करें, जैसे कि एंटी हिस्टामिन, डाइमिन हाइड्रिनेट, स्कोपोलामिन, एवोमिन टैबलेट जो लेते हो ना, एवोमिन टैबलेट जो हम मोशन सिकनेस के लिए लेते हैं वो एंटी हिस्टामिन है फर्स्ट जनरेशन, उसको खाओगे तो मोशन सिकनेस में वो काम करेगी, ओंडम काम नहीं करेगी। तो ये हमने चार मैकेनिज्म देख लिए, डोपामिन एंटागोनिस्ट, 5-HT3 रिसेप्टर्स, एंटी हिस्टामिन, एंटी कोलिनर्जिक्स। उसके बाद वो कोलिनर्जिक जो होता है ना, जैसे कोई भी एक कोलिनर्जिक सिस्टम के अलग अलग फंक्शन होते हैं, जैसे माउथ में सलाइवेशन होता है, गट में मोटिलिटी इंक्रीज करना होता है, तो एंटी कोलिनर्जिक दोगे तो उसका साइड इफेक्ट वैसा ही होगा, मोटिलिटी कम हो जाएगी और डॉजिनेस ज़्यादा आएगा, वो तो एंटी हिस्टामिन किसी भी एंटी हिस्टामिन में आता ही है। जो सलाइवा फॉर्मेशन होता है वो कोलिनर्जिक सिस्टम का फंक्शन है, अगर एंटी कोलिनर्जिक दोगे तो मुंह सूखा सूखा लगेगा, तो उल्टी के दवाई खा के कई बार लोगों को मुंह सूखा सूखा रहता है, नींद तो ज़्यादा आती है, अगर ओंडियन सिट्रोन खाओगे तो नींद ज्यादा नहीं आएगी। तो जो साइड इफेक्ट है ड्रोजिनस ये एंटी हिस्टामिन का साइड इफेक्ट है, ड्राई माउथ जो है वो एंटी कोलिनर्जिक का साइड इफेक्ट है, और एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स जो है वो डोपामिन एंटागोनिस्ट के साइड इफेक्ट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, एक क्लास के लिए ज्यादा हो जाएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखता हूँ कि पूरी फार्मा, और ऑब्वियसली आपको जो सफिक्स वाला वो मैं PDF ऐड कर दूंगा, ताकि जिससे आपके एग्जाम में कोई ड्रग आए, जैसे रैंडम क्वेश्चन आ जाता है कि कीटोकोनाजोल इज व्हाट इज कीटोकोनाजोल, या फिर व्हाट इज एबिप्टाजोल, या फिर व्हाट इज लाबिटालोल, इस तरह के एग्जाम्पल आ गए, या फिर डायबिटिक ड्रग का नाम दे दिया कि लिविप्रेड क्या होता है, तो ज़्यादा डिटेल्स में भी नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा नहीं, उतने क्वेश्चन आते नहीं, और ज़्यादा सुपरफिशली अगर सीधा रट के चले जाओ तो फिर चीज़ें ग्रेस्प करनी मुश्किल होती है। तो एक सिस्टमिक वे में आई विल ट्राई कि नेक्स्ट क्लास में जब भी मैं लूँ, अगर हो सके तो कल या फिर कभी बाद में, तो
उस सफिक्स आपको बता दूंगा जिससे आप ड्रग्स इजीली आइडेंटिफाई कर सकोगे। आज की क्लास के लिए कोई डाउट? ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।